सो हेलो रीवन वेलकम टू ओ नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर रेवेन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर एग्जाम प्रिपरेशन तो स्टूडेंट्स आज मैं देखो आपको पता है, मैं क्वानी एफ टी ड्रूप हूँ चार बजे मेरी क्लास होते रोज है ना लाइव सेशन आते हैं वहीं पर आपसे थोड़े से, थोड़ से क्वेश्चन करते हैं बट आज मैं कुछ बात नहीं करने वाला आज मैं कोई पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करूँगा आज बात करूँगा आज से एग्ज़ाम के आपकी सिलेक्शन के तीन साल बाद की यानी आज हम बात करेंगे सैलरीज एंड अलाउंसेज की आपको क्या क्या सैलरी मिलेगी इंटरनल ऑडिटर हो चाहे वो रेवेन्यू अकाउंटेंट हो क्लियर और क्या क्या, -क्या अलाउंसेज मिलेंगे मतलब उसको छोड़ के कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको मिलने वाली इस नौकरी में सिलेक्शन के बाद बट उसके पहले देखो बच्चे ना सबका बेसिक एक क्वेश्चन आया हुआ है जब भी मैं वो ले रहा हूँ अब क्या कहते हैं अपना लाइव सेशंस हम ले रहे हैं कोई भी टीचर ले रहे हैं सबसे जो नॉर्मल सी बात है वो क्या बच्चे पूछ रहे हैं कि सर लेवल ऑफ एग्जाम क्या रहने वाला है

तो आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अभी बता रहा हूँ आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तब आपको जरूरत है आत्म मंथन करने की तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहाँ पे कमी है मैं आपको एक नंबर बताता हूँ सेवन एट थ्री ट्रिपल सेवन थ्री सिक्स फाइव वन आपको मैं नंबर बता रहा हूँ स्टूडेंट इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं क्लियर इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है आपकी सारी की सारी परेशानियों को हाल इस नंबर पर होगा कोर्स से रिलेटेड कुछ है, कोई आपको जैसे एग्जाम पैटर्न नहीं पता या कुछ भी नहीं पता इस नंबर पर कॉल करके आपको सारी सारी चीजें पता चल जाएंगी बट बच्चे फिर भी कह रहे हैं कि सर हम कैसे तैयारी करें मैं हमेशा ही कहता हूं ईयर क्वेश्चन सबसे अच्छा मेथड यही है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इससे अच्छा कोई भी आपका मेथड नहीं है समझ आ गई अब देखो जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर लोगे बट विदाउट कॉन्सेप्ट कैसे करोगे विदाउट कॉन्सेप्ट कैसे करोगे सबसे मुद्दे की बात तो यही है उसके लिए हमसे जुड़िए इस नंबर पर कॉल कीजिए सारी चीजें पता चलेंगी क्लियर तो होपफुली जो बेसिक बेसिक डाउट था बच्चों को क्लियर हो चुका है चलिए अब चलते हैं आपकी सैलरी से अलाउंसेस की, की तरफ देखो सबसे पहले क्या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस द एवरेज प्रोविजन पीरियड फॉर एवरी इंप्लॉय विल बी ऑफ थ्री ईयर मतलब आपके एवरेज जो प्रोविजन पीरियड है ना तीन साल करने वाला है आफ्टर द प्रोविजन पीरियड यू विल बी इंटाइटल्ड टू ऑल द पर्स एंड बेनिफिट्स मतलब जो भी इसके बेनिफिट्स मिलने हैं आपको बताऊँगा क्या 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 मिल सकते हैं ऑन एन एवरेज क्या क्या मिलते हैं उसको छोड़ के भी मिल सकते हैं क्योंकि अभी तक जो नॉलेज में जितने हैं उतने हैं इसको छोड़ के अगर एक आधा होगा हम डेफिनेटली हम अपडेट करेंगे उसके भी क्लियर तो तीन साल आपका प्रोविजन पीरियड है मतलब तीन साल ट्रेनिंग काम करेंगे ठीक है अब दूसरा जो क्वेश्चन बच्चों का आया वो ये आया कि सर ट्रेनिंग कहां का लग सकती है उसका जवाब आपको नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया पीएसपीसीएल में डिप्यूट सिलेक्शन कैंडिडेट टू अंडर गो ट्रेनिंग एट टेक्निकल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पीएसपीसीएल पटियाला और एनी अदर इंस्टीट्यूट इन इंडिया कि कहीं भी आपको भेजा जा सकता तो 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 है तो तैयार रहिएगा बाहर जाने के लिए भी ऐसा ना हो कि ये सोचो कि घर के पास ही रहे कोई जरूरत नहीं है जाइए एक्सप्लोर कीजिए अपने आप को ठीक है चलो नेक्स्ट देखो असोसिएटेड विद द बेसिक पे यू विल गेट वेरियस अदर अलाउंसेस अलाउंसेस क्या क्या मिलने वाले हैं आपको देखिए जाना सबसे पहले क्या मिलेगा डी ए डी ए जिसे बोलते डी एर द कास्ट ऑफ लिविंग रेगुलेशन अलाउंस एज लॉन्ग एज द गर्न पेज टू यू वर्कर्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर वाइल द पेंशन आर इक्वल उसको छोड़ दो पेंशन वाले को छोड़ दो ठीक है बस बेसिक बेसिक अब डी ए मिलेगा देखना हाउस रेंट मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता देखो जहाँ तक पता है अभी स्टे कम्फर्ट बाहर होता है तो हाउस रेंट मिलता है कहीं कई कही जगह मिलता है ठीक है चलो अदर अलाउंसेस अपार्ट फ्रॉम द अलाउंसेस मैं बबदा पी एस पी ऑफिसर्स आर इंटाइटल टू द अदर बेनिफिट जैसे आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होगा आपका डेली अलाउंसेस हो गया आपका मेडिकल अलाउंस हो गया आपका पी एफ हो गया और आपका एनुअल इंक्रीमेंट सैलरी वो तो आपको पता ही है जो भी एनअली uh, इंक्रीमेंट होता है आपका जिस तरह से भी इंक्रीमेंट है क्लियर तो ये बहुत ईजी है चलिए नेक्स्ट इज देखिए इट इज जनरली अ डिडक्शन और डिडक्शन विच यू विल एबल टू विदड्रो आफ्टर यूर रिटायरमेंट रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा मिल जाएगा पी एफ और सबको ही पता है क्लियर तो ये बेसिक बेसिक है हमारे पास नेक्स्ट क्या है मेडिकल फैसिलिटी पी एफ चलिए कन्वीनियंस फैसिलिटी द पी एस पी सी एल विल प्रोवाइड फॉर इम्प्लॉय ट्रेवल एक्सपेंसिस फॉर वर्क रेजलेशन कि अगर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़े तो जो ट्रैवल के कॉलॉसीज है वो सबके सब मिलेंगे ये बिल्कुल सिंपल सा है ठीक है चलिए अब पे इसके देखो फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट मैनेजर एच आर द पे विल बी पर पी एस पी सी एल फाइनेंशियल सर्कुलर थर्टी टू जीरो टू थ्री द मिनिमम ओ द मिनिम पे एडमिशन एज पर सेवनथ पे कमीशन मेट्रिक्स एंड रिपोर्ट इन हाउसेज फोर्टी सेवन थाउजेंड छः सौ सत्तालीस हज़ार छः सौ पर मंथ मिलेगी आपको ठीक है चलिए नेक्स्ट देखिए फोर द रेवेन्यू अकाउंट अकाउंटेंट द पे विल बी पी एस पी एस साल फाइनेंशियल इतना ही मिलेगी कितनी आपको पैंतालीस हज़ार चार सौ क्लियर तो ये बेसिक बेसिक आपको मैंने बता दिया क्या क्या, क्या आपको अलाउंसेज मिल सकते हैं और क्या सैलरीज मिल सकती है क्लियर तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिए वीडियो और जो कोई भी आपको डाउट हो ना नंबर uh, इस सेवन एट थ्री ट्रिपल सेवन थ्री सिक्स फाइव वन इस नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं सारे सारे आपकी दुविधा का निवारण होगा थैंक यू स्टूडेंट्स